हाँ जी अर्थ क्लास, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड हमारा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि समीकरण के अंदर चर कितने होने चाहिए, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल वन वेरिएबल। अब हमारे पास जैसे कुछ व्यंजक होते हैं 2x 3x प्लस वाई 5y प्लस 6 समथिंग एल्स, ये तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ व्यंजक होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम किसी संख्या के साथ, अंकों के साथ एक्स वाई जेड कुछ भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल यानी कि चर कहलाते हैं। वो हमारी कौन सी राशि होती है, चर राशि होती है। और जिनके मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी नहीं होता है वो हमारे कौन से होते हैं, अचर राशि। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। नॉन वेरिएबल जैसे हमारे पास ये हो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 3x, तो इनके देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं यानी कि चर राशि होती है। ये तो जिस अंकों के गुणा में a से z के अंदर कोई भी मल्टीप्लाई में आ रहा है वो तो हमारी होती है चर, वेरिएबल राशि। और ये हमारी क्या होती है, अचर राशि, नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समीकरण क्या होती है। अगर हम इन व्यंजकों को 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7z प्लस 6 तो ये हमारी क्या कहलाती है, समीकरण। समीकरण पहले हम समझते हैं समीकरण, फिर हम देखेंगे रैखिक समीकरण। समीकरण वो होती है अंदर हम डिवाइड कर सकें क्या, दायां पक्ष बायां पक्ष, मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड, जिस संख्या में हम दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो हमारी क्या बन जाती है, समीकरण। मेनली आप ध्यान रखना, जब इक्वल का साइन यूज होता है वो हमारी क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। ठीक है, अगर अब देखो हम ये यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये हमारी कौन सी है, राइट साइड। ठीक है, समीकरण में विशेष ध्यान रखना, एक तो इक्वल साइन का यूज़ होता है, इक्वल साइन का यूज़ हो गया तो हम इसे दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड होती है क्योंकि दायां पक्ष, और ये हमारा बायां पक्ष यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखो ये हमारे रैखिक समीकरण है। अब जैसे ये भी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी हमारी क्या है, समीकरण है। ये हमारी समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ किसका यूज़ हो रहा है, इक्वल साइन का। इक्वल साइन का यूज़ होता है वो हमारी क्या होती है, समीकरण होती है। तो ये भी हमारी क्या होगी, समीकरण होगी। लेकिन हमें एक्सरसाइज सेकंड में कौन सी समीकरण पढ़नी है, रैखिक समीकरण पढ़नी है। कौन सी, रैखिक समीकरण। अब यहाँ देखो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ वाई की घात पावर है वो कितनी आ गई, घात 2 आ गई, तो ये हमारी रैखिक समीकरण नहीं है। ये समीकरण तो है, आप आगे रीड करेंगे द्विघात समीकरण है, जबकि ये हमारी रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। जैसे x प्लस 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी एक कौन सी समीकरण होगी, रैखिक समीकरण। देखो ये हमारी समीकरण है, समीकरण क्यों है, क्योंकि यहाँ किसका यूज़ हो गया, इक्वल का यूज़ हो गया, इक्वल साइन आ रहा है, इट मीन्स ये समीकरण है। अब हम चेक करते हैं कि समीकरण कौन सी है। अब देखो x की भी पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में ध्यान रखना जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशि है, उनकी पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई, एक ही पावर है तो वो हमारी कौन सी समीकरण होगी, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के लिए इतना सा ध्यान में रखना कि चर राशि की घात एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि इक्वल में 0 ही होगा, ये भी हो सकती है एक्स प्लस 3y इक्वल 2x प्लस 3z, तो ये भी हमारी कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी की घात कितनी है, 1। ये तो हमने बात की रैखिक समीकरण की। ठीक है, ये हमने अभी क्या देखा, रैखिक समीकरण। सबसे पहले समीकरण, समीकरण कौन सी होती है, समीकरण वो होती है जिसके अंदर हम इक्वल साइन आता है वो हमारी क्या बनती है, समीकरण बनती है। समीकरण की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें हम डिवाइड कर सकें,
राइट साइड और लेफ्ट साइड को हम डिवाइड कर सके या जिसमें इक्वल साइन का यूज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, समीकरण। फिर बात आती है रैखिक समीकरण। समीकरण होना चाहिए लेकिन कौन से होना चाहिए, रैखिक समीकरण। मीन्स जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी हम चर यूज़ कर रहे हैं, उनकी पावर, उनकी घात एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अधिकतम एक ही होगी। 5x प्लस 2y इक्वल 3z प्लस 6, तो ये हमारी कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण। क्योंकि इसके अंदर जितने भी चर हैं, जैसे इसमें चर कौन कौन से हैं, x, y, z, ये क्या वेरिएबल्स हैं और इन सब की पावर क्या है, एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारी कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं हमारे ओनली कौन सी रैखिक समीकरण है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिन समीकरण में केवल एक ही चर हो, जैसे 5x प्लस y इक्वल्स टू 3, ये है, हमने ये देखा, ये हमारी समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन आ रहा है, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड को। नंबर टू, ये हमारी समीकरण है रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई, इनकी पावर एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हमारी कौन सी समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण। अब हमें देखना है एक चर वाले, मीन्स इस रैखिक समीकरण में चर एक ही होना चाहिए। अब यहाँ कितने चर हैं, 1, 2, दो चर आ गए, इसलिए ये कौन सी रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। एक चर की रैखिक समीकरण क्या होगी, 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 2। अब इस समीकरण में आप बताओ, ये हमारी रैखिक समीकरण है ना, क्योंकि जो भी यहाँ वेरिएबल यूज है उसकी पावर एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये हमारी कौन सी समीकरण, रैखिक समीकरण। और ये कौन सी रैखिक समीकरण होगी, अब इसमें देखो पूरी समीकरण में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक ही वेरिएबल आ रहा है और वो क्या आ रहा है, x। तो ये हमारी होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण। यहाँ दो वेरिएबल यूज हो रहे थे तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन हमारे इस एक्सरसाइज का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमारे लगभग एक ही चर का यूज़ होगा, एक ही वेरिएबल का। ये भी हो सकता है 6t + 2 = 4t + 5, क्या ये रैखिक समीकरण है, तो देखो ये रैखिक समीकरण है, ये समीकरण है क्योंकि इक्वल साइन का यूज़ है। रैखिक इसलिए है क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल यहाँ यूज़ किया उनकी पावर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं एक चर, अब ये एक चर की रैखिक समीकरण है। एक चर की रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इस पूरी समीकरण में, पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही चर का यूज़ हो रहा है, वो किसका, टी का। यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, दो चर तो नहीं लिए हमने, दो वेरिएबल्स का यूज़ नहीं किया, ओनली 1 वेरिएबल का यूज़ किया, वो किसका, टी का। तो ये कौन से, एक चर की रैखिक समीकरण। अब आगे हम देखते हैं कि एक चर की रैखिक समीकरण होते हैं, इन्हें आगे सोल्व करके इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, अब आपको यहाँ तक समझ में आया, सबसे पहले समीकरण की पहचान क्या है, इक्वल साइन रैखिक समीकरण के लिए, कि जो भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, एक चर में से पूरी इक्वेशन में, कंप्लीट हमारे इस इक्वेशन में, समीकरण के अंदर एक ही चर होना चाहिए। हाँ, एक चर दो बार या तीन बार आ सकता है, लेकिन होना एक ही चर चाहिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हमें अब ये समीकरणें दी गई है कुछ, इन्हें क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ इन समीकरणों में जो हमें वेरिएबल दिए गए हैं या जो हमें चर दिए गए हैं, उनका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि x - 2 = 7। अब हम इन समीकरणों को सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल है वो समीकरण के बाकी एक पक्ष में हो और दूसरे पक्ष में हम नॉन वेरिएबल रखेंगे। जैसे देखो ये हमारी चर राशि है, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, अचर, और ये भी कौन सी है, अचर। तो हम क्या करते हैं, अचर राशि को समीकरण के एक पक्ष में रखेंगे और चर राशि को समीकरण के एक पक्ष में रखेंगे। अब देखो x - 2, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो -2 है, राइट हैंड साइड में जब जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस की संख्या
बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए या दाएं से बाएं पक्ष में आती है तो साइन उनका चेंज हो जाता है, चाहे संख्या माइनस की हो या संख्या प्लस की हो। कोई भी संख्या अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए या दाएं से बाएं पक्ष में आए तो इनके साइन चेंज रहते हैं। माइनस हो गए तो साइन चेंज होगा प्लस में, और प्लस होगा तो साइन चेंज होगा माइनस में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ x माइनस टू है, ये माइनस का टू इधर बाएं पक्ष में, अब हम इसे दाएं पक्ष में लेके जा रहे हैं। इक्वल में सेवन तो सेम, ये दाएं पक्ष में जाके माइनस का टू है, तो मैंने अभी बताया कि माइनस का साइन चेंज होगा, चाहे लेफ्ट में जाए या राइट में, तो साइन चेंज होता है। माइनस होती इधर आके प्लस टू, और सेवन प्लस टू कितना आ जाएगा नाइन, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई नाइन, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारे पास दो भाग हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड है बायां पक्ष, और ये हमारा दायां पक्ष राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारे पास वेरिएबल समीकरण में है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, y को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इक्वल में 10 एज इट इज़, ये प्लस का 3 ये अचर राशि राइट हैंड साइड में आके किस में हो जाएगी प्लस साइन, राइट हैंड साइड में किस में चेंज होता है माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो y 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। एक और देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 6 इक्वल जेड प्लस 2, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड, राइट साइड में एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में नॉन वेरिएबल है। हम जो राइट साइड में अचर राशि है उसे लेफ्ट में लेके आते हैं, लेफ्ट में लेके आएंगे, यहाँ ये किसका है प्लस का टू है, इक्वल से जब इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का टू, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जेड है तो जेड। अब सिक्स माइनस टू करेंगे तो फोर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास फोर। ये हमारी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, ये हमारी राइट साइड। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इक्वल में हमारे पास क्या है 17/7, ये यहाँ कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस का होता है, तो प्लस का 3/7। लेफ्ट से जब राइट हैंड साइड में जाता है तो साइन इसका चेंज होगा, प्लस है तो इधर आके माइनस का 3/7, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों के हर समान है, इसका भी हर 7 है, इसका भी 7 है, तो जब हर समान हो तो हर अपना ये क्या आ जाता है ऐसे मारेगा, और ऊपर जो अंश की संख्या है वो हम सेम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 17-3 है तो -3, ठीक है। और 17-3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, अपॉन में क्या है 7। अब देखो अब इस 7 का 14 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इस तरीके से। और देखो हमें ये जो जितने भी इक्वेशन दिए वो सभी क्या है, एक चर की रैखिक समीकरण है, समीकरण इसलिए है क्योंकि इक्वल का साइन है, रैखिक इसलिए है कि इन सभी की पावर हमने देखी एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी बन गई एक चर की रैखिक समीकरण के, ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, अभी और करते हैं अपने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x = 12। अब यहाँ जो 6 है वो इस वेरिएबल के क्या है मल्टीप्लाई में। जब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट है और अगर वो राइट हैंड साइड में जाती है या लेफ्ट में जाती है, तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट इक्वल से दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में आने पर डिवाइड में होती है, और डिवाइड वाली डिजिट कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ x की वैल्यू अपने फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी x = 12/6, अपॉन में 6 क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 है वो x के क्या है मल्टीप्लाई में, और जब ये 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में। ये ध्यान रखना, प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस साइन चेंज होता है प्लस में, और जो मल्टीप्लाई में डिजिट है वो चेंज होकर डिवाइड में होती है, और डिवाइड वाली डिजिट किस में चेंज होती है मल्टीप्लाई में,
ठीक है। तो देखो यहाँ 6x के मल्टीप्लाई में था, जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 6 12 के किसके आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब 6 का 12 में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ 5 है वो वेरिएबल के क्या है, डिवाइड में। जब अपने इसे लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज होगा साइन, मल्टीप्लाई में। मीन्स टी इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 × 5, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई डिजिट इक्वल से राइट हैंड साइड में आने पर डिवाइड में होती है और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हाँ यहाँ देखो, हमें 2x/3 = 18 गिवन है, ये कंप्लीट हमारी वेरिएबल है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, 2x = यहाँ 3 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जब इसे लेके जाएंगे तो ये किस में होगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाई 3। 2x = कितना आ जाएगा हमारे पास, 54। और यहाँ से अब यहाँ 2 है वो x के किस में है, मल्टीप्लाई में, और ये 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो 2 54 के किस में आएगा, डिवाइड में। यानी कि 2 का 54 में डिवाइड देंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, 54 में क्या करना है, 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड, 2 का टेबल 5 तक, 2 पे 4, 5 - 4 मीन्स 1, अब क्या 14 बन गया, तो 2 का टेबल कहाँ तक, 7 तक, 14 कैंसिल, कितना आ गया, 27। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1.6 गिवन है और राइट हैंड साइड में y/1.5, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये y के डिवाइड में, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू y। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2.40 = y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2.40। देखिए 7x - 9 = 16, सेम वैसे ही 7x = 16, माइनस का 9 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज होगी किस में, +9। 7x = कितना आ जाएगा, 25। और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, अब यहाँ 7x के किसके हैं, मल्टीप्लाई में है, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/7। ओके, आगे आप 7 के इसमें डिवाइड देके भी पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 14y - 8 = 13, सेम एज इट इज़, 14y = 13 - 8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज होगा, -8 राइट हैंड साइड में आके +8। 14y = कितना आ जाएगा, 21, और y = हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। यहाँ 14y के मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। किसके टेबल से कट किया हमने, 7 से, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी और 14 दोनों आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 x/3, पहले हम प्लस के इन 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, 7/15, प्लस का 1 राइट हैंड साइड में आके -1। x/3 = कितना आ गया, 7/15 - 1/1। अब यहाँ देखो 15 और 1 में एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद में सोल्व कैसे करेंगे, इस 15 का 15 में डिवाइड करो, 15 का 15 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 1। उस 1 का 7 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 का 15 में डिवाइड करोगे, 1 के टेबल में 15 कितने पे आएगा, 15 पे,
15 का 1 से मल्टीप्लाई, मीन्स x अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 7 माइनस 15 अपॉन 15। x अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 में से 7 लेस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 8 अपॉन 15। अब यहाँ देखो 7 तो है प्लस का, 15 है माइनस, 7 तो है प्लस का और 15 है माइनस का, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो यहाँ साइन किसका आएगा माइनस का। एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 15, यहाँ जो 3 डिवाइड में है राइट हैंड साइड में किस में आएगा मल्टीप्लाई में इंटू 3। अब देखो मल्टीप्लाई में डिजिट अगर कोई कैंसिल होगी तो हम कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे 3 वन जा 3 और 3 फाइव जा 15, तो कितना आ गया माइनस 8 अपॉन 5। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई एक्स की। ओके तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इसमें मैंने वन क्वेश्चन स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 11 आप सेल्फ करने की ट्राई कीजिए। ओके कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो। ओके हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज 2.1 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।